प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं मिशन एडमिशन। जोसा ने ज्वाइंट काउंसिल के बाद प्रथम राउंड का सीट आवंटन जारी किया। 15,739 रैंक पर IIT और 7,12,487 रैंक पर मिला NIT। 24 तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। जोसा द्वारा IIT और NIT समेत 121 कॉलेजों का प्रथम राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया है। जिन विद्यार्थियों को किसी भी कॉलेज की सीट मिला है, उन्हें 24 जून को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। प्रथम राउंड में 15,739 रैंक वाले छात्र और 20% कोटे के कारण 24,312 रैंक वाले छात्रा को IIT धारवाड़ की इंस्ट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांच का आवंटन किया गया है। इस तरह NIT के जेंडर न्यूट्रल फुल कोटे के क्लोजिंग रैंक जो है 7,12,487 AIR पर NIT मिजोरम की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग तथा 10,70,084 AIR पर फीमेल फुल कोटे से NIT मिजोरम के मैकेनिकल ब्रांच होम स्टेट कोटे से आवंटित हुई है। ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया, इस तरीके से अलग अलग दिया गया है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि IIT पटना और NIT पटना CS ब्रांच की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में आई गिरावट। पहले राउंड में IIT पटना के CS ब्रांच के लिए जो है 2,985 और NIT के लिए 16,284 रहा क्लोजिंग रैंक। ये यहाँ पे बताया जा रहा है जो जोसा ने जो है फर्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट जारी किया है उसके हिसाब से। यहाँ पे बात किया जाए IIT पटना के कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचों का क्लोजिंग रैंक, तो कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक 2,985, मैकेमिकल इंजीनियरिंग का 11,588, सिविल इंजीनियरिंग का 13,149, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9,876, मेटालॉजिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग 13,748, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 6,160, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का 3,870, इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपका 10,174, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 10,959, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5,196, मैथमेटिक्स कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग का 4,508, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ पे 13,049। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हिसाब से कितना सीट है, ओपनिंग रैंक कितना रहा है वो भी यहाँ पे दिया गया है, और क्लोजिंग रैंक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। वही अगर NIT के बारे में बात किया जाए तो NIT में सिविल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक रहा है आपका 43,793, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 16,284, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 28,839, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 23,841, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है 37,113, आर्किटेक्ट का जो है 3,956, मैट्रिनिक्स और ऑटोमेशन का लिए 32,823। ये आपका क्लोजिंग रैंक है और यहाँ पे कितना सीट है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि IIT और NIT के CS की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक में जो है गिरावट देखने को मिला है। बात किया जाए
आपका यहाँ पे तो आईआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस का जनरल ओपनिंग रैंक जो है 1760 और क्लोजिंग रैंक 2985 रही थी, जबकि वर्ष 2023 में पहले राउंड में आईआईटी पटना का जनरल क्लोजिंग रैंक जो है 1345 और क्लोजिंग रैंक 2512 रहा था। जनरल ईडब्ल्यूएस का ओपनिंग रैंक जो है 304 व क्लोजिंग रैंक 396 रहा है। वर्ष 2023 में अगर बात किया जाए तो ओपनिंग रैंक 2084 और क्लोजिंग रैंक 284 और क्लोजिंग रैंक जो है 378 रहा था। इस तरीके से मतलब जो क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक है उसमें गिरावट यहाँ पे जो है देखने को मिला है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है मैं आईआईटी पटना और एनआईटी पटना का जो है यहाँ पे आपको बता दिया। बात किया जाए यहाँ पे तो 441 सीट हैं एनआईटी पटना में और 430 छात्र मिले हैं। वही बात किया जाए 780 सीट आवंटित की गई है आईटी पटना में और कुल सीट जो है 817 है। ड्यूअल डिग्री ब्रांच की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अलग यहाँ पे बोला जा रहा है, कंप्यूटर साइंस से संबंधित ड्यूअल डिग्री ब्रांच की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अलग अलग है। कंप्यूटर साइंस के साथ एमबीए और डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट का जनरल ओपनिंग रैंक जो है 327 और क्लोजिंग रैंक 3427। वही केमिकल साइंस के साथ एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जनरल ओपनिंग रैंक जो है 11696 और क्लोजिंग रैंक 12162 जो है यहाँ पे रहा है। ड्यूअल कोर्सेज के लिए यहाँ पे बात किया गया है, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर किया जा सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।